हेलो जी, दिस इज़ आशु फ्रॉम जर्शु और हमारी आउटलेट है लिबर्टी में एंड वी हैव आर फ्लैगशिप स्टोर हेयर। इसके अलावा हमारी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेजेस पे और शॉप ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.zarshu.com पे। और आई एम द डिज़ाइनर एंड द ऑनर, और मैं और मेरी वाइफ इसको कर रहे हैं। इट्स जर्शु बाय जरी एंड आशु, मेरे और मेरी वाइफ दोनों के नामों को मिला के बना है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस 6 years back। और इसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस कराई हैं। हमारा अभी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कैजुअल से लेके ब्राइडल्स तक हैं। वी आर डूइंग कस्टमाइज ऑर्डर्स एज वेल, जिसमें हमारा प्लेन एम्ब्रॉयड्रीज, अड्डे का काम, हैंड वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयड्री, इट कम्स एवरीथिंग। और टोटल प्रोडक्शन हमारी अपनी है, हमारे डिज़ाइंस अपने हैं, फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड वी डू एवरीथिंग ऑन आर ओन। और आप ज़रूर हमारी आउटलेट पे आएँ। वी हैव स्टार्टेड 6 years back और इसको पायलट किया था हमने पहले एक छोटे से प्रोजेक्ट में, और देन उसका प्रोडक्ट को टेस्ट किया हमने, हमारी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आया है एंड देन वी पुट आर मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इट। और अभी ये है कि अराउंड 60+ हमारे पास वर्कर्स हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, और वी हैव अ ह्यूज स्टोर इन लिबर्टी जिसमें 2 floors हैं हमारे पास और डिफरेंट रेंजेस हैं। सो आप आ सकते हैं हमारे डिफरेंट रेंज में। हमारा फोटे क्या है प्रोडक्ट का अभी, दैट इज़ आर फ्लेयर्स आर एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस। हमारे डिज़ाइंस आपको नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे फ्लेयर्स और क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ आर फोटे। और ये कि मेरी सक्सेस स्टोरी ये कि है कि मैंने स्टार्ट जब किया था, आई वाज वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और मैं जॉब कर रहा था, सो आई क्विट माय जॉब और बिजनेस में आया। सो बड़ा मुश्किल था, एक ऐसी फैमिली से जो कि सैलरीड बैकग्राउंड रखती है, किसी ने बिजनेस ना किया हो और फिर बिजनेस में कन्वर्ट हो जाना, सो दिस इज़ हार्ड। बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि बिज़नेस करना कुछ गलत नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है और कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। इफ़ योर रिस्क आर कैलकुलेटेड, योर मूव्स आर कैलकुलेटेड, आप फिजिबिलिटी अपनी चेक करते हैं, आप अपनी मार्केट चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को सिंक करके मार्केट में आते हैं। नेवर फॉरगेट कि जी आपके जो ऑलरेडी फील्ड में आपके सुपीरियर्स हैं, आपके जो पहले से काम करने वाले, उनके सजेशंस आप नहीं लें, आप उनसे पूछें कि मार्केट में ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और कैसे करना है आपने। सो कंसल्ट योर एल्डर्स एंड विद द पैशन, इफ़ यू हैव द पैशन गो फॉलो इट एंड इट्स नेवर टू लेट। आप चाहे अभी अपने 40s में है, 30s में है, 20s में है या उससे भी आगे 60s में भी हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने पैशन को फॉलो किया एंड आई हैप्पीली से दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम। मेरा ड्रीम था कि मैं एक फैशन स्टोर बनाऊं और डिज़ाइन करूं। आई हैव टू वर्क इन द फैशन इंडस्ट्री एंड आई एम वर्किंग इट। उसमें खुदावंद का शुक्र है कि हम डिफरेंट लेवल्स पे काम कर चुके हैं। वी हैड आर फैशन शो, वी हैड आर फैशन शूज़, हमारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। इफ़ यू कम इन लिबर्टी सो आपको 50x20 feet का एक बड़ा जॉइंट आपको होर्डिंग नज़र आएगा जिस पर हमारा शूट लगा होगा और हमारा लोगो लगा होगा। सो येस, अगर आपके पैशन हाई है, आपके स्पिरिट्स हाई हैं एंड यू आर डेडिकेटेड, सो आप सक्सेस अचीव करते हैं। जो छोटी मोटी फेलियर्स आते हैं, आपकी सब चीज़ें सक्सेस नहीं होती, आपकी कुछ प्रोडक्ट लाइंस फेल भी करती हैं, बट यू कम अगेन विद बेटर वर्जन, यू कम अगेन विद बेटर प्रिकॉशंस, विद बेटर मेजर्स एंड विद बेटर स्ट्रैटेजी। कभी भी स्टॉप ना लगाएं, बिकॉज यू फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग and you succeed when you keep on trying. So try to fullest ke baad mein ye na ho ki humne try nahi kiya, and be consistent, because consistency agar nahi hai to aap nahi kar sakte. Consistent hona bahut zaruri hai ki you keep on pushing. Sirf ek drop patthar ko nahi tod sakta until it's consistently dropping on that surface. So keep doing that, keep moving, और अपना विजन बड़ा करें, अपने विजन के को फॉलो करें, बिकॉज इफ़ यू कांट सी यू कांट फॉलो। सो अपना विजन, चाहे आपकी जिसको कहते हैं कि यू कांट सी इट विद योर नेकेड आईज, बट यू कैन सी इट इन योर इमेजिनेशंस। सो मेरी इमेजिनेशंस थी टू वर्क ऑन सच लेवल, सो आई प्रूव्ड इट, आई डिड इट एंड देयर इज अ लॉट मोर
horizons above, कि अभी मुझे और बहुत अचीव करना है. सो कम एंड वर्क विद मी, मेरे से जो भी हो सकेगा हम आपको फ्री में कंसल्ट करेंगे, आपको सजेशंस देंगे कि जिस लेवल पे भी आपने काम करना है. इफ़ यू वांट टू कम इन द फील्ड ऑफ गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, एनीथिंग. सो बिकॉज आई हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेस स्टडीज़ का है, तो माई कंसल्टेशंस आर फ्री. आप कभी भी मुझे कर सकते हैं. माई नंबर स्क्रीन्स पे आपको मिल जाएगा और आप लिबर्टी में आके मुझे मिल सकते हैं. वी हैव आर आउटलेट, आप ऑनलाइन मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो फील फ्री, और कोई भी है जो आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. वन लास्ट थिंग, इट्स नेवर टू लेट एंड इट्स नेवर टू बैड. आपका जो भी ड्रीम है, डोंट गेट डिस्करेज्ड. चाहे वो कुछ भी है, आपने मॉडलिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, आपने बिजनेस में आना है, फॉलो योर ड्रीम्स. और कल को ये ना हो कि जी अगर मैं करता तो शायद मैं कामयाब हो जाता. येस, डेफिनेटली यू कैन. आप करें, फॉलो अपने ड्रीम्स को करें एंड वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्किंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता. सिर्फ ड्रीम्स को फॉलो करना एंड डूइंग नथिंग वॉन्ट लीड यू एनीवेयर. सो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो पैशन है, उसको फॉलो करें, लेकिन उसके लिए आप हार्ड वर्क करें, स्ट्रैटेजी बनाएं. आपकी एक स्ट्रैटेजी फेल होती है, जंप ऑन टू द अदर स्ट्रैटेजी, बट कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू सक्सेस. एंड कभी भी डिस्करेज ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन है, आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा. अगर आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. आप दूसरों की कमज़ोरी बन जाएं. तो जब आप दूसरों की कमज़ोरी हैं, दे हैव टू, पीपल नो व्हाट रिलीजन वी आर फ्रॉम, लेकिन फिर भी हमारा ब्रांड सक्सेसफुल है बिकॉज योर प्रोडक्ट हैज़ दैट स्पार्क कि लोग आपके पीछे आएंगे. थैंक यू वेरी मच जी. Stay blessed, stay happy, and follow your dreams.